तो भाई फाइनली बाहर आ गए अपन ऑफिस से, और पूरे पेपर वगैरह मेरे को ना रिटर्न दे दिए, एक स्लिप दे दी के कुछ भी सबमिट नहीं करे हो ना। काला हो गया ना भाई। ये ऑयल फिल्टर ओपन कर रहे हैं, देखेंगे कैसा है। हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर आज़ाद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से हैं। मैं भी अच्छा हूँ। जैसे कि आज है मंडे और अपन निकले गाड़ी को ले लेके सर्विस के वास्ते, देख रहे आप। तो भाई देखेंगे शोरूम में जाके सर्विस को कितना टाइम लगता है, उसके बाद फिर अपन RTO ऑफिस को जाना है। स्लॉट मिलता नहीं मिलता, आज का स्लॉट भी बुकिंग करना रहता था ना भाई RTO को। और मैं क्या है, एजेंट वगैरह का झंझट नहीं लगाया हमें, एजेंट वगैरह नहीं है, अपने को ही डायरेक्ट जो है कि लाइन में लग जाना है। पेपर वगैरह सब जो है कि शोरूम वाले दे दिए। तो चलिए आइए देखेंगे क्या तभी होता है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए भाई, तो आप लोगों को भी कुछ हो सकता कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पुराने भी है नहीं कर करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। अपन नंबर प्लेट श्री सिद्धि विनायका बजाज, देखो यहाँ पे देंगे जो है कि सर्विस को। पहले बात कर ले तू, मैं यहाँ लगा के गाड़ी कितना टाइम लगता क्या लगता बोल के। चल जा भाई, चढ़ गई। चलो आइए, पेपरा लेना है गाड़ी के, सर्विस भी कराना है। तो देखेंगे यहाँ सर्विस को पहले कितना टाइम जाएगा, उसके बाद फिर अपन पेपरा लेके जाएंगे RTO ऑफिस। कहीं को बोले तो एजेंट वगैरह का मैं झंझट नहीं लगाया, डायरेक्ट अपने को ही काम करना है। तो भाई पेपरा तो मैं ले लिया यहाँ से, अब क्या हुआ बोले तो मैकेनिक नहीं आया, कहते यार सर्विस के वास्ते जो है कि फिर अपने को कहीं दूसरे बजाज शोरूम में देना पड़ता। पूछा मैं कौन से भी बजाज शोरूम में दे सकते हैं सर्विस के वास्ते, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहीं पे देना है। तो अपना अब यहाँ से काम बर्खास्त हो गया, यहाँ पे अब आने की ज़रूरत नहीं। पेपरा ले लिया मैं, सीधा RTO ऑफिस को जाके लाइन में लग जाता हूँ, और सर्विस जो है कि अपन देखेंगे जो है कि कौन से भी बजाज में कराना ज़रूरी है। आज कहीं को बोले तो 1000 किलोमीटर चलने आई, और फर्स्ट सर्विस जो है कि 1000 से पहले कराना रहता अपने को। तो चलिए आइए, ये पेपरा जमा करेंगे, स्लॉट भी बुक करना रहता अपने को। देखेंगे आज के स्लॉट में मिलता नहीं मिलता, मंडे का दिन है आज। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो भाई फाइनली इतनी ट्रैफिक में आ गए अपन जो है कि यहाँ पे RTO ऑफिस। अब यहाँ गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, अंदर जाना लाइन में ठहरना पड़ता। तो आइए लगाएंगे गाड़ी यहाँ पे कहीं तो भी। ए फ्यू मिनट्स लेटर, तो भाई फाइनली बाहर आ गए अपन ऑफिस से, और पूरे पेपर वगैरह मेरे को ना रिटर्न दे दिए, एक स्लिप दे दी के कुछ भी सबमिट नहीं करे हो ना। और बोले कि रोड के अपोजिट साइड जाके गाड़ी का इंस्पेक्शन कराओ बोले। तो यहाँ है अपनी गाड़ी ना, तो मेरे ख्याल से जो गाड़ी का इंस्पेक्शन करते इंस्पेक्टर उन्होंने ये रख लेते, और ये स्लिप अपने को रखनी रहती। बहरहाल देखेंगे, अब जाएंगे अपोजिट साइड अपन, तो इसको यहाँ सेफली यहाँ रखेंगे, गाड़ी निकालेंगे अपन। तो मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं होना चाहिए, अपोजिट में बोले थे ना। अब कहाँ तो भी कर रहे हैं इंस्पेक्शन गाड़ी का, यहाँ पे गाड़ियाँ ठहरे हुए तो है, कौन तो भी कर रहे हैं कि भाई आ जाओ। इधर ही है शायद, यहाँ पे नई गाड़ियाँ लगे हुए है, और ये टेबल लगाए हुए है, देखेंगे क्या तो भी है। पिन मारना, फोन नंबर लिखो यहाँ, जरा माफी सर, सीसी नंबर का पेंसिल पेन निकालो। कैसा सीसी गाड़ी? CT 110X है सब बजाज, यही छे गाड़ी, समझ में नहीं आया। सर हाँ सर, नंबर बोलो, चेंज नंबर, हैंडल का नंबर बोलो, AX3N। यार तभी भाई कुछ अलग ही फील हो रहा है मेरे को, घबराहट के जैसा, मगर ठीक है वहाँ पे जमा कर रहे हैं, देखे अपना जैसा कि
और पूरा इंजन नंबर और क्या क्या रहता है हैंडल का नंबर पेंसिल से उतारा मैं। मतलब एक सब्सक्राइबर मिल गए थे बहुत अच्छे मेरे, उन्होंने करने लगा दिए। और इंजन नंबर बोला मैं पुलिस वाले को, फिर वहाँ इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं तो उनके कहने जमा कर दिए अपन। अब पूरे सहंगा वहंगा उन्होंने कर दिए, अब सीधा चले जाना है अपने को। और एक वक्त मैं चेक कर ले रूँ मेरा जो है कि स्लिप है ना मैं कहने, तो ये अपनी स्लिप है और इसमें क्या था डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है ना। खलास, हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया भाई। अभी बिजी दिखे आप, आया था मैं। अच्छा अच्छा बस शुक्रिया भाई, वही सब्सक्राइबर मिल गए बल्कि काम जल्दी हो गया मेरा। मेरे को नहीं मालूम था कैसा कैसा करना बल्कि, इससे पहले जब मेरी एक्टिवा थी वो एजेंट के थ्रू लिया था, उन्होंने पूरा काम करा के दिए थे तो इजीली हो गया था। शुक्रिया भाई। एक्टिवा चली गया जी? हाँ एक्टिवा दे दिया ना। चलो जाएंगे अब जी। शुक्रिया भाई शुक्रिया बहुत, ठीक है जाएंगे। तो भाई अब चलिए देखेंगे शोरूम में गाड़ी सर्विस को कहाँ पे देते अपन, जहाँ पे जल्दी होगा वहाँ पे दे देंगे। वैसे कोई भी जो है कि सिद्धिविनायक का बजाज को दे दे सकते अपन गाड़ी, पूछ लिया था मैं। तो भाई आ गए अपन बजाज सर्विस सेंटर, यहाँ गाड़ी डालेंगे सर्विस के वास्ते और देखेंगे कितना टाइम लगता है। आज पूरा काम करा लेना है, कहीं को बोले तो कल काम पे जाना है ना अपने को, तो देखेंगे कितना टाइम लगता है। ये सर्विस सेंटर है। A few minutes later. बैठा बैठा बोर हो गया भाई मैं, सर्विस चल रही अपना नंबर नहीं आया अभी, हो सकता तू दो चार गाड़ियों के बाद अभी अपना नंबर आए, तो देखेंगे कितना टाइम लगता है आपकी गाड़ी को। वैसे तो एक घंटा हो गया, मैं भूख भी लगी हुई, सोच रही कि देखेंगे बाहर जाके कुछ तो भी खाने को मिला तो लाइट लाइट खा लेंगे। तो आइए देखते हैं बाहर चल के क्या मिलता खाने को, और बता दूँ मैं अभी। अभी तो अपनी गाड़ी का नंबर ही नहीं आया तो क्या बताऊँ मैं अपने को, क्या क्या चेंज करने वाले हैं उसमें। कुछ ऑयल फिल्टर चेंज करने वाले हैं और इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं, दो सामाना चेंज करने वाले हैं। तो अब सामान के पैसे देना पड़ता अपने को, ताकि जो सर्विस चार्जेस रहते वो फ्री रहते। जितना भी बिल होता मैं बता दूँ आप लोगों को। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी आ गई यहाँ पे बनने के वास्ते, जो कि स्टैंड पे खड़ी है गाड़ी अपनी। और ऑयल इन्हों खोल दिए देखो, तो देखेंगे कैसा ऑयल निकल रहा फर्स्ट सर्विस में। काला हो गया ना भाई? तो ये है हमारे मैकेनिक भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। अशफाक भाई है यहाँ पे जो कि फर्स्ट सर्विस कर रहे हैं मेरी गाड़ी की, और साथ में यहाँ पे मैनेजर बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैनेजर साहब। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सैयद हौस पाशा है। बहुत ही अच्छे मैनेजर है। मैं यहाँ पे आया तो पहली बात तो यहाँ पे जगह नहीं थी, गाड़ियों के नंबर लगे हुए हैं आप ना देख सकते हैं, पूरी गाड़ियाँ वो साइड भी गाड़ियाँ पड़े हुए हैं। भाई एक आधा एक घंटा बैठा मैं, खाना पीना खा लिया मैं, तो अभी पहले गाड़ी मेरी लगाने लगा दिए यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो भाई, जितना जल्दी हो सका था। पहले तो बोले कि भाई कल मिलती 2 बजे तक गाड़ी, मगर मैं इंसिस्ट करा तो भाई करने लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा काम है सब कस्टमर को जो है अपन कन्विंस करना और अच्छे से अच्छा लोग को जो है सेटिस्फाई करके देना, कुछ नहीं है सब। बहुत शुक्रिया भाई। देखेंगे जो है कि अब इंजन ऑयल चेंज करना है और ऑयल फिल्टर चेंज करना है, दो कामा है। ये ऑयल फिल्टर ओपन कर रहे हैं, देखेंगे कैसा है। चलो भाई वॉश करा लेके गाड़ी भी अपनी बाहर आ गई चमचमाती हुई। बाद में वॉश करने लगाया, ऐसा बोले तो गाड़ियाँ बहुत थे, मैं सोचा कि भाई पहले सर्विस हो जाएंगी अपनी तो फिर फुर्सत हो जाएंगे अपन, बाद में वॉश करने लगा देंगे, मसला कुछ भी नहीं है बात का पहले का, बस काम जल्दी होना। लेकिन देखो 5 बज गए, पूरा फुर्सत होते होते मेरे को 5:30 बज गए एक्चुअली।
चलो ठीक है, हो गई सर्विस भी हो गई। मतलब फर्स्ट सर्विस में कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं पहले तो सुकून से जो है कि निकलेंगे यहाँ से, इंजन ऑयल चेंज करना रहता, ऑयल फिल्टर चेंज करना रहता, और क्या था कुछ भी नहीं, ब्रेका टाइट कर दिए बस, और क्या करें, चेन को ऑयल डाल दिए बस, और कुछ भी काम नहीं करे ज़्यादा। मतलब अब क्या रहता, वही फर्स्ट सर्विस को रहता जो वो करा। मैं पूछा भी भाई और कुछ भी है क्या, बोले तो नहीं बस फर्स्ट सर्विस में इतना ही रहता। बोले और भी थोड़े बहुत काम कराना था मेरे गाड़ी में, जैसे कि आप ना देख रहे सीट मॉडिफिकेशन कराने का सोच रहा था थोड़ा सा, इसको और कुशन्स डाल के इसको और शेप में लाएंगे और अच्छा बनाएंगे, और हैंडल बार रेजर सोच रहा था लगाने को, ज़रा हैंडल ऊपर हो जाता तो कम्फर्टेबल होता थोड़ा। मेरे को क्या है गाड़ी झुक के चलाना पड़ रहा, तो इसके वास्ते सोच रहा था हैंडल बार रेजर डालने के वास्ते। और एक चीज़ जो है कि अपन नंबर प्लेट सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहीं डालेंगे, कई को बोले तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ विंडशील्ड डालने के वास्ते अपन जो है कि नंबर प्लेट सोच रहे थे यहाँ पे डालेंगे, जैसा कि अपना डोमिनार में देखे होंगे या बहुत सी बाइक KTM में देखे होंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट रहता और उसका जो बार रहता वो यहाँ पे जाके टाइट होता, तो ये सोच रहा था मैं। तो ये अपनी कुछ बाइक है फर्स्ट सर्विस के बाद आ गई, और सर्विस का एक्सपीरियंस बोलूँ तो भाई ठीक है भाई, लेकिन लास्ट में जो चीज़ हुई मैं वो नहीं बोल सकता हूँ ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता कि भाई बाई मिस्टेकली हो गया होगा, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया होगा। आप बिल में देख रहे 135 रुपीज़ कुछ माइनस करने लगाया हमें, कहीं को बोले तो वो अननेसेसरी था तो उन्होंने ऐड कर दिए थे, हो सकता कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया हो। बहरहाल मैं निकालने लगाया वो कुछ चेन का वो ऑयल डाले थे, अब उसके जो है कि 135 रुपीज़ लगा दिए थे तो मैं वो निकालने लगा। बहरहाल चलते रहता भाई, और बहुत से बच्चे बोल रहे थे कमेंट में कि भाई बजाज की बाइक कैको लिया भाई, इंजन में प्रॉब्लम रहती और प्रॉब्लम आई तो फिर शोरूम वाले करके देते नहीं जल्दी, फिराते रहते। तो भाई बजाज के शोरूम में लिया माइलेज के वास्ते, आप लोगों को बहुत सी जो है कि वीडियो देखने के बाद बहुत से सब कुछ करने के बाद मैं लिया ये बाइक जो है 110X, कभी मजबूत गाड़ी देख के लिया, माइलेज वाली लिया, जिससे मैं कि लॉन्ग राइड पे भी जा सकूं। तो भाई अगर प्रॉब्लम जब आएंगी तब देखेंगे भाई, प्रॉब्लम तो हर चीज़ में आती, ये एक मशीन है कोई वो तो है नहीं परमानेंट, कोई चीज़ रहती नहीं हमेशा के लिए, कोई भी चीज़ नहीं बनी, तो जब आएंगे प्रॉब्लम तब देख लेंगे, तब तक के लिए तो भाई बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं ना भाई। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ भाई, RTO के काम में एक पैसा नहीं लगा मेरे को, शोरूम वाले पूरे पेपरा करके दिए थे, इवन मेरे को उन्हें स्लॉट बुकिंग करके भी दिए थे, तो स्लॉट बुक करके अपन गए थे वहाँ पे ऑफिस को, सुकून से वहाँ काम हो गया। सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को वहाँ पे मदद करे थे, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कैसा वो पेंसिल से रब करके निकालना नंबरा, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई सभी सब्सक्राइबरों का, आप लोग देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, पुराने भी है नहीं कर करके तो भाई कर लो, कुछ भी नहीं जा रहा। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, खुदा हाफिज़, मा सलाम। कुछ भी नहीं, अरे ले रहा हूँ भाई, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई आ गए अपन बजाज सर्विस सेंटर।